राजधानी पटना से एक खबर सामने आई है, जहां आज सुबह सुबह राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र के लोगों ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि खासकर महिलाओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया है, साथ ही आत्मदाह करने की भी चेतावनी दे डाली है। बताया जा रहा है कि काफी संख्या में महिलाएं अपने बच्चे के साथ वहां पर आई थी। महिलाओं का कहना है कि बिहार सरकार हम लोगों से काम ले लेती है, लेकिन जब मानदेय और नियमित करने का समय आता है तो सरकार पीछे हट जाती है। हम लोग दशहरा, ईद और कोरोना वायरस जैसे कई आवश्यक कार्यों में सहयोग करते हैं, परंतु सरकार हम लोगों के साथ सहयोग नहीं कर रही है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि भारी संख्या में महिला ग्राम रक्षा दल की महिलाएं मौजूद थी, साथ ही पुलिस बल की भी तैनाती थी। बहुत देर के बाद पुलिस उन्हें वहां से हटा दी। वहीं पुलिस ने जबरन बलपूर्वक ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र को पुलिस ने हटाया, साथ ही कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा मतलब कि काम लेने के टाइम में तैयार रहती है, जब मानदेय देने की बारी आती है तो सरकार मानदेय नहीं देती है। कितने दिनों से नहीं मिला? हम लोग विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन मानदेय नहीं दे रही है सरकार। लाठी टॉर्च वर्दी दी लेकिन मानदेय नहीं दे रही है। जबकि हर पर्व में काम करते हैं, चाहे दुर्गा पूजा हो, ईद हो, कोरोना महामारी हो, शराबबंदी हो, हर चीज में काम लेती है सरकार लेकिन मानदेय नहीं देती है। आज यहाँ पर आत्मदाह कर लेंगे लेकिन वापस नहीं जाएंगे, चाहे तो स्थायीकरण करे या हम लोग को जान ले ले, आत्मदाह करे। हम सुल्तानगंज से हैं, वर्षा कुमारी, जिला भागलपुर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। हाँ, मारपीट ले रहे हैं, हमेशा वर्दी को अपमान कर रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। 2012 से हम लोग आत्महत्या करेंगे। Thank you.